हैदराबाद UC86 और UC90 कचरा और गंदगी की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया, जबकि बल्दिया इंतजामिया इलाके की सफाई में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फास्ट 92 न्यूज अतीक गौरी की इस रिपोर्ट में। हम आपको अपने इलाके 90 और 86 के बीच में सारा हालात दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ सफाई का बहुत बड़ा फुकदान है और इन भाइयों ने हमारे से ताउन किया और हम उन जिम्मेदारों तक ये आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि जो इनके कर्ता धरता हैं, मेहरबानी करके आप इस इलाके को देखो किस तरीके से, यानी ये गंदगी है और उसके बाद मच्छर और मलेरिया। आपको ये कैमरामैन दिखाएंगे कि क्या हालात है यहाँ के। वो कचरा कुंडी बना हुआ पूरा और कोई भी हमारी नहीं सुनता। यहाँ पर एप्लीकेशन है दे दे के, मुंह से ज़ुबान से कह के थक गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी किस्म का कुछ भी सफाई के हवाले से कोई काम नहीं होता। UC86 और 90, हल्का UC 90 और 86 के दरमियान में बिल्कुल सफाई का फुकदान है, बहुत ज़्यादा फुकदान है और यहाँ पर गन कचरा और ये यहाँ की हालात जो नालियों की है और इतना कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। तो हम वुमन राइड एडवोकेटर के हवाले से आए हुए हैं यहाँ पर विज़िट करने और चंद भाई हमारे साथ हैं और हम ये विज़िट करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ कितना जो है ना कचरा है और कितना यहाँ नालियाँ भर रही हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग इसको जो है ना आगे तक लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ये यहाँ से ये सारा गंद और इनकी सारी नालियाँ और इनके जितने भी मसाइल हैं, जो भी मसाइल हैं लोगों के, सब हल करवाएंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये काम यहाँ से करवा के ही जाएंगे और करके ही अब दम लेंगे जब हम इधर आ गए हैं। तो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैदराबाद ज़िले सदर के अनवर भाई, इमरान भाई, वुमन राइट्स के जो अहदेदार हैं, इनका बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे अमेरिकन क्वार्टर का दौरा करा और यहाँ के मसाइल जो है उनको उजागर करने के लिए हमारा साथ दिया। मसला ये है भाई, अमेरिकन क्वार्टर UC86 और UC90 यहाँ के MNA हैं साबिर कायम खानी भाई और जब्बार, ये लोग आज तक इस इलाके में आए ही नहीं हैं, ना इन्होंने इलाके की तरफ देखा है। कुछ तरीक़ाती काम करा, एक गली का तरीक़ाती काम करा के छोड़ गए, बाकी और किसी गलियों में कोई तरक्याती काम नहीं, कोई रोड नहीं, कोई सफाई नहीं। ये हालात आप देख रहे हैं यहाँ के, लाल शाहबाज कलंदर की साइड पे नाला बह रहा है, फुल भरा हुआ है, वहाँ की कोई सफाई नहीं, कचरा में कुंडी बना के लोगों ने रखा हुआ है। शाखालिंग मस्जिद है, वहाँ पे भी ना कोई कचरे की उठाने का कोई इंतज़ाम है, ना कोई सफाई का इंतज़ाम है। बाहर नमाज जनाजा आती हैं, वहाँ पढ़ा नहीं सकते लोग गंदगी की वजह से। ये वर्कशॉप के गेट के पास से होता हुआ ये रोड जा रहा है टंडो यूसुफ, इस रोड की ऐसी खस्ता हालत है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, नमाज़े जनाजा लेके जा नहीं सकते, लोग परेशान हो गए। इसकी हमने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया आला हैदराबाद, कमिश्नर हैदराबाद और वज़ीर बल्दियात नासिर साहब को भी कई दफ़ा हमने व्हाट्सएप भेजा है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम हैदराबाद ज़िले के ह्यूमन राइट्स के अहदेदारों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हमारे इलाके का दौरा करा और हम ये उनसे उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे इस मसाइल को उजागर करने में हमारा साथ देंगे। शुक्रिया।